नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, EACC आयुष काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके थे। इसके रिगार्डिंग मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, कैसे आप लोग रजिस्टर करेंगे, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है बिना गलती किए, और उसमें ही मैंने आपको बता दिया है कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप। कंप्लीट जो है ऑल इन वन वीडियो बन चुका है, तो आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो उस वीडियो को जरूर से पहले देख लेना, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। हर एक चीज़ वहाँ पर मैंने समझा दी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, सब कुछ मैं उस पर डिटेल में बता चुका हूँ। इस वीडियो में कंप्लीट आज बताने वाले हैं कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है कि आपके रैंक पर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा GMC, अच्छा जो आयुर्वेदिक कॉलेज है BMS या फिर कोई भी आप कॉलेज चूज करना चाहते हैं, तो किस तरह से चॉइस फिलिंग करें, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको आपकी रैंक पर बेस्ट कॉलेज मिल जाए, है ना। तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है दोस्तों, वो आज से यानी 29 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट राउंड के लिए। तो आपके जो लास्ट डेट रहेगी चॉइस फिलिंग की, वो 2 सितंबर तक रहेगी, ठीक है। आज दोपहर बाद से, ये 12 बजे बाद से चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप जब जो है लॉगिन करते हैं अपने वेबसाइट पे, अपना डैशबोर्ड अगर आपने रजिस्टर कर दिया है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस होती है वो पे करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उससे पहले आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। इन बातों का ध्यान रखना, पहले आपका पेमेंट होता है, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग होती है। पेमेंट जिसमें कि रजिस्ट्रेशन फीस भी है और सिक्योरिटी मनी दोनों का आपको एक साथ पेमेंट, जिस भी तरह की काउंसलिंग का आपने चूज करी है वो आपको पेमेंट करने के बाद ही आगे प्रोसीड करने देंगे, चॉइस फिलिंग करने देंगे, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग आप देख सकते हैं, इस तरह से आपके पास डैशबोर्ड आता है जहाँ पर आप कॉलेजेस चूज कर सकते हैं। अब कॉलेज चूज करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं या फिर उनको कई तरह के मिथ्स होते हैं, कई सारे लोग कुछ भी आपको बता दिए जाते हैं कि भाई ये चीज़ें ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। आज इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आगे आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ है। अच्छे से वीडियो को देखना अच्छे से एंड तक, ठीक है। और जो बातें मैं समझा रहा हूँ वो चॉइस फिलिंग में अप्लाई करना है आप सभी को, आपको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बेटर कॉलेज आप लोग ले पाएंगे आपकी रैंक पे। तो सबसे पहले, तो सबसे बड़ा मिथ, आपके चाहे बढ़िया से बढ़िया नंबर हो, चाहे कितनी भी अच्छी ऑल इंडिया रैंक हो या कितनी भी घटिया ऑल इंडिया रैंक हो, आपको हमेशा टॉप कॉलेजेस को प्रायोरिटी देनी है। किनको देनी है? टॉप कॉलेजेस जितने भी होते हैं आयुर्वेद का के या फिर जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उनके टॉप कॉलेजेस को आपको प्रायोरिटी देनी है। हमेशा लिस्ट में उन्हीं कॉलेजेस को रखो, है ना। काफ़ी सारे आपने देखा होगा जगह बताया जाता है आपको कि आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आप टॉप कॉलेज क्यों भर रहे हो, आपको नहीं मिलेगा, आपको जो है लो प्रायोरिटी वाले कॉलेज भरने चाहिए। ऐसा नहीं है, हमेशा जो आपके कॉलेज की जो अलॉटमेंट होती है वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अगर मान लो आपकी रैंक पर वो कॉलेज की सीट नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर भर नहीं सकते। तो सबसे पहली बात, आपको हमेशा प्रायोरिटी टॉप कॉलेजेस को ही देनी है, ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट वगैरह कैसे आपको मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, किस तरह से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर रखना है कॉलेजेस का, और का वो आगे आपके लिए है वीडियो में। तो सबसे पहले टॉप कॉलेज को भरना है। दूसरा, आपको जिन बात का ध्यान रखना है वो है आपके कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर को भी जरूर से देखिए। कई सारे टॉप कॉलेज होते हैं जिनकी फीस हाई होती है ना, वो चीज़ भी ध्यान में रखो, अपना बजट ध्यान में रखो, है ना। उसके लिए भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा क्या है आपके लिए खास, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखना। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है वो है, टॉप कॉलेज भरने के बाद में आपको अपने स्टेट के टॉप कॉलेजेस भरने चाहिए, स्टेट के कॉलेजेस पे भरना चाहिए, और स्टेट के कॉलेज भरने के बाद में आपके नियर बाय स्टेट्स के भरिए, और नियर बाय स्टेट के भरने के बाद फिर आप जो है लो प्रायोरिटी के जो कॉलेज होते हैं रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर देखेंगे, डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, बॉन्ड कंडीशन क्या है उसकी, ठीक है, कॉलेज में बॉन्ड है कि नहीं है, है ना, वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे PG सीट्स वगैरह के भी बारे में आपको ध्यान रखना है। तो कंप्लीट ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको चॉइस फिलिंग करनी है। हमेशा प्रायोरिटी टॉप कॉलेज को देते हुए, अपने स्टेट के कॉलेज को देते हुए, फिर उसके बाद में नियर बाय स्टेट को देते हुए, फिर आपको जो है इस तरह से फिल करना है कि भाई आप इस लो प्रायोरिटी वाले कॉलेज होते हैं, लो रैंकिंग वाले कॉलेज, उनको आप प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। और जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशन से वो आपको मैं आगे वीडियो में के फॉर्म में बताता आ रहा हूँ, पहले भी बता दिया मैंने पिछले वीडियोस में भी, और आगे भी बता दूंगा कोई भी अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग। अभी आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब सरप्राइज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपके काउंसलिंग के प्रोसेसर को आसान बनाने के लिए लास्ट ईयर की तरह इस साल भी मैंने आप अपनी EACC आयुष काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग गाइड PDF लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपनी काउंसलिंग के प्रोसीजर को बहुत सिंपल बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स मैं आए दिन देख रहा हूँ, मेरे यूट्यूब पर भी कमेंट्स आते हैं, टेलीग्राम पर भी, और जो पर्सनली गाइडेंस मेरा लेते हैं उनको भी ये समस्या आती है कि सर जैसे हमारे को प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनानी है। साथ ही जो मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मेरे रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या फिर
जो कोई भी एक्स वाई जेड कॉलेज है वो मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कौन से राउंड में मिलेगा, तो वो सारी समस्याएं आपकी खत्म होने वाली है इस पीडीएफ से। काफ़ी हेल्पफुल ये पीडीएफ आपके लिए होने वाली है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है वो मैं आपको बता दूँ, तो इस पीडीएफ में एक ही पीडीएफ सिंगल पीडीएफ है जिसमें कंप्लीट आपकी काउंसलिंग है, इसमें डबल ए ट्रिपल सी की बिल्कुल आसान बना देगा आपकी काउंसलिंग। कैसे आपको डाउनलोड कर लिए वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूँ क्या क्या कंटेंट आपको मिलने वाला है। कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी सबसे पहले तो डब्ल्यू ट्रिपल सी काउंसलिंग के लिए, जो भी रूल्स होंगे राउंड वाइज है ना, रूल्स में भी जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या कंडीशन, कौन कौन से कैंडिडेट किस कंडीशन में एलिजिबल है, इनएलिजिबल कौन कौन है, ठीक है, स्कीम पूरी यहाँ पर समझाई गई है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है काउंसलिंग में है ना, वो सारी चीज़ें इसमें कंपाइलअप है। साथ ही अपडेटेड कॉलेज लिस्ट ऑफ BMS, BHMS, BUMS, BSMS, इन सभी कोर्सेज के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी अपडेटेड लिस्ट इसमें मिल जाएगी। कंप्लीट डिटेल्स अबाउट गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड डीम यूनिवर्सिटीज, बिल्कुल आपको सभी कॉलेजेस की, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, नेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हो, उनकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दी गई है, इंक्लूडिंग देयर फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ और प्रायोरिटी लिस्ट, सब कुछ वहाँ पर डिटेल में बताया गया है। इस्टेब्लिश्ड ईयर, ठीक है, जो लिस्ट है उसमें आपको इस्टेब्लिश्ड ईयर कितना पुराना कॉलेज है वो भी आप पता कर सकते हैं इससे, ठीक है। ट्यूशन फीस कितनी है, हॉस्टल चार्जेस क्या क्या है सब कॉलेज के, ठीक है, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट एडेड हो या डीम्ड हो, सभी का यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में मिलने वाला है। डिटेल कॉलेज वाइज एंड राउंड वाइज कट ऑफ फॉर ईच कैटेगरी, कैटेगरी वाइज आपको डिटेल कट ऑफ मिल जाएगी है ना, किस राउंड में कौन से कॉलेज को किस कैटेगरी में कितनी रैंक पर कितने मार्क्स पर कॉलेज मिला था 2023 में, 2022 का भी डेटा है, 2021 का भी, मतलब प्रीवियस ईयर के भी डेटा आपको मिल जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या रखना है 2024 के लिए आपको, वो भी पीडीएफ यहाँ पर इसमें कंपाइल अप है पीडीएफ में। चॉइस फिलिंग ऑर्डर फॉर BMS, BHMS, BUMS सभी के लिए जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर होता है वो भी इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। डबल ए ट्रिपल सी काउंसिलिंग 2022 की कट ऑफ और प्रीवियस ईयर की जो काउंसिलिंग कट ऑफ है कैटेगरी वाइज एंड राउंड वाइज और कॉलेज वाइज वो आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगी। ऑल इंडिया रैंक से आप पता कर सकते हो कि मेरे रैंक पे लास्ट ईयर कौन सा कॉलेज मिला था, किसके चांसेस ज़्यादा है, तो ये कंप्लीट आपको पीडीएफ में मिलने वाला कंटेंट और काफ़ी यूजफुल आपके लिए पीडीएफ होने वाली है। कैसे आपको डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं पेड काउंसलिंग वाले, इसी पर मुझे व्हाट्सअप करके आपको जो ऑफर प्राइस है अभी, क्योंकि अभी ये लॉन्च करी है अभी, यानी वीडियो अपलोड होने से 24 घंटे तक इसका जो प्राइस रहने वाला है वो ओनली 299 रहने वाला है। 299 रुपीज़ में आप लोग ये परचेज कर सकते हैं कंप्लीट पीडीएफ, 299 में अपनी काउंसलिंग पूरी कर सकते हैं इसको देखते हुए, ठीक है। और मेरी गारंटी है कि इस पीडीएफ को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी रैंक पर आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल गारंटी है। 299 रुपीज़ यहाँ पर इसके चार्जेज रहने वाले अगले 24 घंटे के लिए, इसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे, 499 हो जाएंगे। तो जो भी परचेज करना चाहते हैं अभी 24 घंटे के अंदर आप परचेज करते हैं तो इस प्राइस पर आप ले सकते हैं 299 में, ये बिल्कुल सभी के लिए अवेलेबल है। और इसके लिए क्या करना है, इसको व्हाट्सअप नंबर जो हमारे दिख रहे हैं इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, पेमेंट करने के बाद ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो बस एज सिंपल एज दैट, और अपना काउंसलिंग का प्रोसेस एकदम सिंपल बना सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंटेंट आपको मिलने वाला है इस पीडीएफ में कंप्लीट, आपको BMS, BHMS, BUMS, BSMS के लिए जो भी कंटेंट है ये यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। अभी फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिएगा और इसका रिजल्ट भी आने वाला है 6 सितंबर को काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का। आई होप आप सभी को बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिले, और जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी इन्फॉर्मेशन जितने भी अपडेट्स होंगे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देता रहूँगा। और आप अगर चाहते हैं पर्सनली गाइडेंस मेरा, ठीक है, तो आप पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं डब्ल्यू ट्रिपल सी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दे रखे हैं, वहाँ से आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, और जो भी डिटेल होगी मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। कंप्लीट आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, आपको असिस्ट किया जाता है, पूरा प्रोसेस मेरे द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग मुझ पर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया छोड़ सकते हो, आपको बेस्ट कॉलेज दिला करके दूंगा, ये मैं पूरा जो है आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।